हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाइपरसोनिक इंडियन। ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं मैटर के, उनके बारे में बात करेंगे, जो चैप्टर 5 है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का। अगर आपने पहले 4 चैप्टर को मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो क्वांटम मैकेनिक्स का सफर शुरू करते हैं, सो लेट्स फायर इट अप। एरिस्टोटल मानते थे कि यूनिवर्स 4 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, और ये एलिमेंट कंटिन्यूअस हैं, मतलब कि इनकी कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। 2000 सालों तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट 20th सेंचुरी में इस फील्ड में बहुत ही रेवोल्यूशन आया। इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जे.जे. थॉमसन का, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। देन रदरफोर्ड, बोहर, इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करी। एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसके बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते हैं। 1940s तक भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही एलिमेंट्री पार्टिकल माना जाता था, बट जब प्रोटॉन को हाई स्पीड से कोलाइड किया गया तब पता चला कि प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलकर बना है। देन क्वार्क की भी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, जैसे कि अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म्ड, बॉटम एंड टॉप। प्रोटॉन 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, एंड न्यूट्रॉन 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क से। क्वार्क का मास ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत रैपिडली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में डीके हो जाता है। सो अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं, जिन्हें हम कुछ साल पहले एलिमेंट्री मानते थे। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जिन पार्टिकल्स को हम आज एलिमेंट्री कह रहे हैं, क्या था वो भी किसी और पार्टिकल से मिलकर बने हों? वेल, ऐसा पॉसिबल तो है, बट हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल रीजंस हैं ये बिलीव करने के लिए कि हम नेचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बहुत ही करीब हैं। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग लाइट एंड ग्रेविटी को हम वेव्स एंड पार्टिकल्स दोनों की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है स्पिन। स्पिन को इमेजिन करने का तरीका है कि एक बॉल को रोटेट करते हुए इमेजिन करो, बट क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल का कोई एक वेल डिफाइंड एक्सिस नहीं होता। बट एक्चुअली में स्पिन तो हमें यह बताता है कि पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन से देखने पर कैसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, 0 स्पिन वाला पार्टिकल एक डॉट की तरह दिखता है किसी भी डायरेक्शन से देखने पर, और स्पिन ए वाला पार्टिकल एक एरो की तरह है जो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट लगता है, लेकिन जब पार्टिकल को 360 डिग्री रोटेट करते हैं तभी सेम ही दिखाई देता है। इसी तरह स्पिन 2 का पार्टिकल डबल हेडेड एरो की तरह है, जिसे 180 डिग्री रोटेट करने पर ये सेम लगता है। ये सब तो बहुत सिंपल है, बट कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पर भी सेम नहीं दिखाई देते। इन्हें 2 रेवोल्यूशन देने पड़ते हैं और इनकी स्पिन भी 1/2 होती है। इन पार्टिकल्स को फर्मियन कहा जाता है। फर्मियंस ही मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, मतलब ये पार्टिकल ही मैटर को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्मियंस को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेप्टॉन्स एंड क्वार्क। इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन्हें बैरियंस कहते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, वो 3-3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, एंड उनको हेड्रॉन्स भी कहा जाता है। फर्मियंस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो ये बताता है कि 2 फर्मियंस एक क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। इसका मतलब ये है कि 2 फर्मियंस की स्पिन एंड वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। इसी तरह इंटीजर स्पिन वाले पार्टिकल्स को बोसोन कहा जाता है। ये पार्टिकल्स फोर्स ट्रांसमिटिंग पार्टिकल होते हैं, इसलिए इन्हें फोर्स कैरियर भी कहा जाता है। बोसोन्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसपे हम आने वाले क्वांटम मैकेनिक सीरीज में बात करेंगे। 1928 में पॉल डिराक ने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन्स का एक और पार्टनर होना चाहिए जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा, एंड 1932 में इसकी डिस्कवरी भी कर ली गई, जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। प्रेजेंट में हम जानते हैं कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, और जब ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एनालाइट हो जाते हैं, और जिससे बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है। अगर हम फोर्स कैरिंग पार्टिकल यानी बोसोन्स की बात करें, तो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन और क्वार्क एक फोर्स कैरिंग पार्टिकल को एमिट करता है। इमिशन से होने वाले रिएक्शन की वजह से मैटर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। देन फोर्स कैरिंग पार्टिकल दूसरे मैटर पार्टिकल से कोलाइड करता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, और इससे ऐसा लगता है कि 2 पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स है। बोसोन्स को वर्चुअल पार्टिकल्स भी कहा जाता है, क्योंकि हम किसी डिटेक्टर की हेल्प से इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट हम ये जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम इनके इफेक्ट को मेजर कर सकते हैं। हालांकि कुछ सर्कमस्टांसेस में ये रियल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स। बोसोन्स को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स दे कैरी। इसमें फर्स्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सभी पार्टिकल्स उसके मास या एनर्जी की वजह से इसको फील करते हैं। 2 पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविट्रॉन कैरी करते हैं। ग्रेविट्रॉन ही वो पार्टिकल हैं जो ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क से इंटरेक्ट करता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, सेम चार्ज रिपल्सिव होते हैं एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे फोटोन्स के एक्सचेंज की वजह से होता है। थर्ड कैटेगरी है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो रेडियो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
जो 1/2 स्पिन वाले पार्टिकल पे एक्ट करती है बट इंटीजर स्पिन वाले पार्टिकल्स पे एक्ट नहीं करती। फोर्थ कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में क्वार्क्स को होल्ड करके रखती है एंड उसको न्यूक्लियस में बनाए रखती है। ग्लूओन्स पार्टिकल इस फोर्स को कैरी करते हैं जो सिर्फ खुद से एंड क्वार्क से ही इंटरेक्ट करते हैं। इसकी एक बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है जिसे कन्फाइनमेंट कहते हैं। ये पार्टिकल्स को ऐसे कंबाइन करती है कि जिससे पार्टिकल का कोई एक कलर ना हो, जैसे कि एक सिंगल क्वार्क नहीं हो सकता, एक रेड ब्लू एंड ग्रीन क्वार्क का एक ट्रिपलेट होगा जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है। इसी ट्रिपलेट से मिलकर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनते हैं। सो अगर समराइज करें तो पार्टिकल की दो कैटेगरीज होती हैं, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। फर्मियंस दो टाइप के हो सकते हैं, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। क्वार्क में अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप एंड बॉटम आते हैं, देन लेप्टॉन में म्यूऑन्स टाऊ एंड न्यूट्रिनोस आते हैं, देन बोसॉन पार्टिकल्स में ग्लूऑन फोटोन जेड बोसॉन डब्ल्यू बोसॉन आते हैं जो फोर्स ट्रांसमिटिंग पार्टिकल हैं। हिग्स भी इसी कैटेगरी में आता है जिसके बारे में हम फ्यूचर में डिटेल एपिसोड में बात करेंगे। सो एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।